के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भूज से दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। हिंदी फिल्म जगत में कई ऐसी बहुत सारी पॉपुलर फिल्में बनी, अनारकली, मुगले आजम, पाकीजा, मेरा नाम जोकर, संगम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन। आर्ट फिल्मों का अगर जिक्र करें तो आक्रोश, चक्र, कलयुग, अर्धसत्य, जाने भी दो यारों और शोले। अगर दोस्तों शोले फिल्म का जिक्र जब चलता है तो इतने सारे रीमेक बने फिल्म शोले के, शोले फिल्म की कामयाबियों का दौर इस कदर पॉपुलर है कि सन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले आज 45 या 46 सालों के बाद भी इस फिल्म का दबदबा कुछ इस कदर से पॉपुलर है कि जिनकी मिसालें देते देते शायद हमारे ये प्रोग्राम्स का वक्त भी खत्म हो जाए। शोले फिल्म के कामयाबी के आज जिक्र को आप सबके लिए रखना नहीं है, बात करनी है फिल्म शोले हमारे लिए प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर की। फिल्म शोले ने आज के दौर तक इतनी कामयाबियां हासिल की। अगर दोस्तों आप YouTube के भी वीडियो सर्च करें तो आज भी YouTube पर आपको फिल्म शोले मेकिंग के पीछे के वीडियोस देखने को मिलेंगे। फिल्म शोले के किरदार भी आज भी इतने ही मकबूल हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हमको दे दे ठाकुर, नहीं ये हाथ हमको दे ठाकुर। संगीत भी बड़ा ही खूब था, लेकिन दोस्तों शोले फिल्म प्रोड्यूस की थी जीपी सिप्पी ने। जीपी सिप्पी साहब ने फिल्म शोले की कामयाबियों को देखकर उनसे मुतासिर होकर साल 1980 में और एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूस की और हमारे लिए रखी। फिल्म का नाम था शान। हालांकि शान फिल्म उतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर पाई जितनी फिल्म शोले ने कामयाबियां हासिल की थी, और हुआ भी कुछ यूं था कि भारतीय दर्शकों ने, भारतीय व्यूअर्स ने फिल्म शान में वही कामयाबियां सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश की जो कामयाबियां शोले में थी, और उस कदर हुआ कुछ यूं कि साल 1980 में बनी फिल्म शान इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर पाई जितनी कामयाबियां हासिल की थी फिल्म शोले ने। जी पी सिप्पी साहब ने साल 1951 से लेकर साल 1997 तक बहुत सारी कामयाब फिल्में दी। कामयाबियां के परचम कुछ इस कदर बुलंद थे जो आज भी हम उन फिल्मों को याद करते हैं। आज जिक्र करना है साल 1959 में आई उनकी फिल्म भाई बहन का। फिल्म भाई बहन का संगीत दिया था एन दत्ता जी ने और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। इस फिल्म के सभी गीत बड़े ही पॉपुलर थे। आशा भोसले जी द्वारा गाया गया गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जनाब मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया एक गीत था जो पिक्चराइज हुआ था जोनी वोकर जी पर, बेटा डर मत डर मत डर मत प्यार कर मत कर मत कर मत। आइए देखते हैं इस गीत की छोटी सी झलक।
चिंता डर मत डर मत डर मत आहे भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत कर मत कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत। एन दत्ता साहब ने वेस्टर्न म्यूजिक को आधार बनाकर इस गीत को बड़े ही खूब अंदाज में ढाला था। लेकिन बात करनी है जीपी सिप्पी साहब की, जिन्होंने इस फिल्म में एक किरदार किया था। नेगेटिव रोल पर जीपी सिप्पी साहब दिखे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अदायगी नहीं की थी इस फिल्म में विलन के कैरेक्टर की, लेकिन इस गीत पर, जनाब मोहम्मद रफी साहब के इस गीत पर वो कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर भी दिखे थे। आइए देखते हैं ये झलक। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन हैं आते, जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा। दोस्तों ये तो थी मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए ये पॉपुलर और प्यारे से गीत के पीछे की दिलचस्प कहानी। बिल्कुल ऐसी ही जनाब मोहम्मद रफी साहब की नई कहानी के साथ अगले एपिसोड पर हम आप सब से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।